जब हम बात करते हैं हॉरर फिल्मों की तो हमें कुछ भयानक से अजीबोगरीब चेहरे याद आते हैं। हालांकि बॉलीवुड की हॉरर फिल्में हॉलीवुड के मुकाबले बहुत ही कम डरावनी होती है और कई बार तो हॉरर फिल्म कहके हमें ये सब दिखाया जाता है, हॉरर कम वल्गैरिटी ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी हॉरर फिल्में नहीं बनी हैं। कुछ फिल्मों की अच्छी स्टोरी लाइन और डरावने सीन्स की वजह से वो फिल्में हमें डराने में कामयाब हो जाती है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी में ना ही वो अजीब व गरीब डरावने से चेहरे हैं, ना ही वो रात के अंधेरों में डरावने से म्यूजिक के साथ में डरावने से सीन्स। लेकिन फिर भी मूवी देखने के बाद आप कहेंगे कि ये अब तक की बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में से बेस्ट फिल्म है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी फैक्टर। 2009 में आई मूवी 13 भी एक क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो तो उस मूवी को हॉरर बनाने के लिए आपको डरावने से चेहरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस मूवी को हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी भी कह सकते हैं। मूवी के अंदर बहुत सारा सस्पेंस भरा पड़ा है और मूवी आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखती है। मूवी के अंदर आपको नजर आएंगे आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, पूनम ढिल्लो और दीपक डोबरियाल। देखा जाए तो इस बेहतरीन फिल्म का क्रेडिट तमिल फिल्म इंडस्ट्री को जाता है क्योंकि ये मूवी तमिल लैंग्वेज में यावरम नलम के नाम से और हिंदी में 13B के नाम से थोड़े बहुत एक्टर्स को बदल के बनाई गई है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। आर माधवन अपनी फैमिली के साथ अपने नए फ्लैट में रहने आते हैं 13B। लेकिन फ्लैट में आने के बाद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे दूध का रोज़ रोज़ फटना, मोबाइल फ़ोन से ऐसी तस्वीरें आना, लिफ्ट का ना चलना, पूजा रूम का तैयार ना होना, घर की औरतें टीवी पर आने वाले सीरियल्स देखने की बहुत ही शौकीन हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं में से एक टीवी सीरियल इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो जो चीज़ें इस टीवी सीरियल में हो रही है वही चीज़ें इनकी असल ज़िंदगी में भी होना चालू हो जाती है, जिसका एहसास सिर्फ मनोहर को होता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, मनोहर के सामने बहुत सारी उलझनें आती हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मनोहर अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त की मदद लेता है। अब आगे क्या होता है, इस अजीब से टीवी सीरियल के पीछे की मिस्ट्री क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म के अंदर मिल जाएंगे। दीपक डोबरियाल, जिनको हमने तनुवेट मनु जैसी फिल्मों में कॉमेडी रोल करते हुए देखा है, वो आपको इस फिल्म में एक अलग अवतार में मिलेंगे। फिल्म इतनी बढ़िया होने के बावजूद भी कुछ सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने ये रेटिंग्स दिए, 1.5 स्टार्स, 2 स्टार्स, सीरियसली। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये मूवी देखिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।